आईपीएल 2021 के सीजन के पार्ट टू को लेकर बीसीसीआई कंफर्म कर चुका है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में हमें दुबई में आईपीएल का पार्ट टू देखने को मिलेगा। यानी आईपीएल के बचे हुए 31 मुकाबले दुबई में होंगे। इसके साथ ही दुबई में आईपीएल होने से पहले यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर, इसके साथ ही केकेआर के पैट कमिंस, इसके साथ ही यहाँ पर आरसीबी की टीम के काइल जेमिसन ने अपने आप को आईपीएल से दूर, आईपीएल से अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। और इन प्लेयर्स के बाहर होने पर अब इनकी टीमों ने इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर कुछ प्लेयर्स साथ बातचीत करके कुछ प्लेयर्स को अपनी टीम में परचेस करके इंक्लूड कर लिया। मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं प्लेयर्स के नाम बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनके बाहर होने पर इनके आईपीएल टीमों ने आखिर कौन कौन से प्लेयर को अपनी टीमों में इंक्लूड किया, कौन सा प्लेयर जो आखिर जोस बटलर को, पैट कमिंस को और काइल जेमिसन को रिप्लेस करेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि जोस बटलर, पैट कमिंस और काइल जेमिसन के बाहर होने पर कौन कौन से प्लेयर इन प्लेयर्स को रिप्लेस करेंगे, इन प्लेयर्स के बदले आखिर इनकी टीमों ने कौन से प्लेयर को खरीदने के लिए बातचीत करी है, कौन से प्लेयर्स को खरीद कर अपनी टीम में इंक्लूड किया है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं आरसीबी के काइल जेमिसन की, तो काइल जेमिसन का यहाँ पर पिछले कुछ समय से काफी अच्छा आरसीबी के लिए प्रदर्शन, इसके साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रदर्शन रहा था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पर्सनल रीजंस के चलते हुए इन्होंने आरसीबी से अपना नाम विड्रॉ कर लिया। आईपीएल 2021 के सीजन के पार्ट टू से इन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। कुल मिलाकर काइल जेमिसन आईपीएल के पार्ट टू में अब आरसीबी के लिए हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और इनके बाहर होने पर यहाँ पर आरसीबी की टीम की तरफ से जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग टीम साउथी को ये टीम अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है। बड़ी बड़ी वेबसाइट ने यहाँ पर ये बताया कि टीम साउथी के साथ हाल फिलहाल में इस टीम ने बातचीत करी है, जहाँ पर सीएसके की टीम ने भी टीम साउथी के साथ बातचीत करी थी। तो कुल मिलाकर सीएसके की टीम सैम करन या फिर मोइन अली को यहाँ पर टीम साउथी के साथ रिप्लेस करना चाहती थी, लेकिन आरसीबी की टीम काइल जेमिसन को अब टीम साउथी के साथ रिप्लेस करना चाहती है। तो कुल मिलाकर अब टीम साउथी की एंट्री हमें आरसीबी की टीम में देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पैट कमिंस की, तो यहाँ पर पैट कमिंस यहाँ पर अपने पर्सनल रीजन के चलते हुए आईपीएल के पार्ट टू में ये भी उपलब्ध नहीं होंगे, जहाँ पर इन्होंने अपने पर्सनल रीजन के चलते हुए अपना नाम आईपीएल के पार्ट टू से विड्रॉ कर लिया। कुल मिलाकर अब केकेआर की टीम इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर मिचेल स्टार्क के साथ बातचीत करी है, जहाँ पर मिचेल स्टार्क को ये टीम 7 से 7.5 करोड़ तक का प्रपोजल भी दे चुकी है। यानी कुल मिलाकर एक महीना आईपीएल खेलने के लिए 7 करोड़ तक ये टीम देने को तैयार हो चुकी है। और हो सकता है कि यहाँ पर इस प्राइजिंग में और वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए अब मिचेल स्टार्क इस टीम के लिए अवेलेबल हो जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कमिंस की जगह केकेआर की टीम में स्टार्क की एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर इस टीम के लिए ओयन मॉर्गन बाहर होते हैं, काफी अधिक चांसेस बढ़ चुके हैं कि ओयन मॉर्गन भी शायद उपलब्ध नहीं होंगे, तो एरोन फिंच इस टीम में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर केकेआर की टीम में ये दो बड़े हमें प्लेयर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की और जोस बटलर की, तो जोस बटलर ने भी यहाँ पर अपनी तरफ से कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल के पार्ट टू में ये भी उपलब्ध नहीं होंगी, ये भी यहाँ पर आईपीएल 2021 के सीजन में हमें दुबई में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। और इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुल मिलाकर सबसे पहले एलेक्स हेल्स के साथ बातचीत करी थी, और एलेक्स हेल्स के साथ बातचीत करने के बाद इस टीम ने पीएसएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उस्मान ख्वाजा से, इसके साथ ही कोलिन मनरो से ही बात करी थी। तो कुल मिलाकर इन तीन में से कोई एक प्लेयर यहाँ पर जोस बटलर की रिप्लेसमेंट बनेगा, मोस्ट लाइकली एलेक्स हेल्स की इस टीम में यहाँ पर बटलर की रिप्लेसमेंट के तौर पर एंट्री हो सकती है। तो कुल मिलाकर इन प्लेयर्स के बदले इन टीमों में ये प्लेयर्स आने वाले, आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इनमें से कौन सी टीम का सही डिसीजन, और दुबई में आखिर कौन सी टीम आईपीएल की चैंपियन बनेगी, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।